हमने कैंपिंग साइट बुक करी है, अभी तो हम लोग जा रहे हैं कैंपिंग साइट पे, सब कुछ रेडी है, सामान भर लिया है, बाकी वहाँ जाके देखते हैं कि कैसे एक्सप्लोर करते हैं, क्या है कैसे है कैंपिंग साइट। सारी गाड़ी को हमने घर बना लिया अपना, देखो यहाँ पूरा बैग, सारे बच्चे सेट हैं पीछे, तो अपना घर हम वहाँ जाके अनसेटल करेंगे और फिर सेटल करेंगे वहाँ पर टेंट लगाने के बाद। तो आपको फिर दिखाते हैं कैसे कैसे क्या क्या सब होने वाला है। अभी मैं गाड़ी चलाने पे कंसंट्रेट करता हूँ, मीट यू देयर। आ गए हम लोग अब स्टोनी क्रिक मेट्रो पार्क, यहाँ के फंडे हैं हर मेट्रो पार्क के। यहाँ पे एंट्री पे आपको हर बार एंट्री पे आपको $10 देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप ये मैंने मेट्रो पास ले रखा है पार्क का, तो पूरे साल का $40 का पास है। साल में आप कितनी भी बार उधर जाओ, आपको $40 में कवर हो पूरी साल के लिए, मतलब पूरे 31 दिसंबर रात को 12 बजे तक। ओके, सो दिस इज़ आवर कैंपिंग साइट। अभी अब मेरे को फिगर आउट करना है हमें टेंट कहाँ लगाना है। ये एक वो देते हैं वुड फायर करने के लिए जगह देते हैं आपको। आई होप हमें इधर ही फिगर आउट करना पड़ेगा, इधर ही टेंट लगेगा और वो टेबल चेयर है अपने स्नैक्स खाना वाना खाने के लिए। तो बाकी देखते हैं, अभी मैं टेंट लगाता हूँ। दोस्तों आपने वो देखा है ना, जब हम मैजिक करते हैं वो दिखाते हैं, एक जादूगर की टोपी होती है, वो उसके अंदर पिटारा निकालते जाता है। तो अभी समझ लो ये हमारा जादू की पिटारे वाली वो टोपी है, अब देखो इसमें से निकलेगा क्या क्या। सबसे पहले तो हम अपने इसमें से दो बच्चे निकालते हैं। देख, हाय, हाउ आर यू? कैंपिंग करने आए हो आप? ये देखो, इसमें हमारा सारा फ्रोज़न फूड है, इसमें हमारा ये हमारा बारबेक्यू ग्रिल खाना बनाने के काम आएगा, इनकी स्ट्रॉली सुबह वॉक के लिए, कोल, ये मेवान का सोने का सब कुछ, और टेंट। तो अब हम यहाँ पे अपना टेंट लगाना शुरू करते हैं। तो ये हमारी कैंपिंग साइट है, सबसे पहले नीचे बिछाएंगे हम ये, इसको बोलते हैं टार्प। ये नीचे से कुछ भी पत्थर वत्थर को बचा लेता है चुभने से, और टेंट का बेस फटने से बचा लेता है। यहाँ आने के बाद सबसे पहली मील थी हमारी डोमिनोज पिज़्ज़ा विद कोक, ये मैं बाहर से ले आया था पिज़्ज़ा। ये चिमनी है जिसके यहाँ नीचे पेपर डाल के आग लगा दो और ऊपर कोयले भर दो तो आग लग जाती है, तो इसके लिए मेरे पास ये पहले ये भी मैं यूज़ करता था चारकोल लाइटिंग फ्लूइड, लेकिन इसमें क्या रहता है कि थोड़ा खाने में मिट्टी के तेल जैसे स्मेल आती है और लोग बोलते हैं हार्मफुल भी रहता है, क्योंकि
केमिकल्स होते हैं इसमें, सिर्फ अखबार या कुछ भी न्यूज़पेपर वगैरह या कोई भी कार्डबोर्ड डालो नीचे, और ऊपर यहाँ एक प्लेट लगी है उसके ऊपर मैंने कोयले रखे हैं, तो आग गिर के अभी जब ये ऊपर फ्लेम्स आने लगेगी तो ये रेडी हो जाएगा। मैं इसको पलट के ये ग्रिल इसके ऊपर रख के अपना सुबह का नाश्ता बनाना चालू करूँगा। पता नहीं आप लोगों को कितना दिख रहा है, अभी ये देखिए आग उसमें ऊपर आने लग गई है, नीचे से जल जल के ऊपर आ गई है। तो ऑलमोस्ट मेरे कोल इसका मतलब रेडी हो चुके हैं, अब बस मैं 2-4 मिनट में इसको पलट दूंगा इसके अंदर। अब मैं इसको ये मेरी रात की ग्रिल है, मैं ये सेम ग्रिल यूज़ करूँगा और इसको साफ़ कर दूँगा। इसका तरीका ये रहता है कि आप इसको बंद करके रख दो फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट में इसका टेम्परेचर इतना हो जाता है कि अंदर के जितने भी अगर कुछ बैक्टीरिया वगैरह हो जाते हैं, पनप गए हो, वो सब मर जाएंगे। और मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, इसको बोलते हैं स्मोकिंग वुड। से जो खाने में जो फ्लेवर आता है, जो बर्न चारकोल वाला फ्लेवर आता है, वो एक्चुअली चारकोल से नहीं आता, वो चारकोल के अंदर ये लकड़ी डाल देते हैं उससे आता है। तो आप अगर कभी ढाबे पे भी जाते हो, वो जो तंदूरी फ्लेवर होता है वो बेसिकली लकड़ी का ज़्यादा फ्लेवर होता है इंस्टेड ऑफ चारकोल। जो वुडन चारकोल आते हैं उसमें नेचुरली आ जाता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे अलग अलग एप्पल वुड ये सब मिलते हैं, तो आप ऐसे पीसेस मिलते हैं यहाँ पे, वो पीसेस में डाल दो तो फ्लेवर अच्छा हो जाएगा। मैं 5 मिनट खोलूँगा, उसके बाद मैं इससे साफ़ करूँगा ये है, इसमें आगे से हम उसको रब कर सकते हैं, जो भी फंसा हो ये स्टील वायर्स दिए हैं उसको साफ़ करने के लिए। ये सब साफ़ करने के बाद फिर हम लोग अपना खाना रखने के लिए तैयार हो जाएंगे। इट टेक्स 5 मिनट्स। ये हमारा फ्रीज़र रहता है, और जो मतलब कैंपिंग में सभी लोग को तो पता ही होगा, यूज़ करते हैं, इंडिया में भी काफ़ी यूज़ होता है। ये बर्फ़ है इसके अंदर रखी हुई, ये हमारी चेरीज लेके आए थे अंदर, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट निकाल देता हूँ। ये हमारा ब्रेकफास्ट होगा, ये भी हमारा हो गया है 5 मिनट, काफ़ी गर्म है। मेरा ब्रश ये हो गया रेडी। अब बस अपन लोग निकालेंगे अपनी गार्लिक ब्रेड। ये अपनी गार्लिक ब्रेड हो रही है, अगर स्मोकी फ्लेवर चाहिए हो तो इसके अंदर थोड़ा सा ये उठा के वुड डाल दो,
वक्त से स्मोक आ जाएगा काफ़ी, जैसे जैसे वो जलेगी। ये अपना ब्रेकफास्ट, लेमोनेड प्लस गार्लिक ब्रेड।